Welcome to कॉलेज ट्यूटर माई नेम इज सेना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में देखो अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं ये सब चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारी सीरीज चल रही है और आज की क्लास होने वाली है मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन जिसमें हम ये चार मॉडल के बारे में पढ़ेंगे एडा मॉडल डेटमार मॉडल मॉडल ऑफ जॉय एंड लेविज एंड स्टीनर मॉडल चलिए बात करते हैं मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है क्या देखो बहुत सारी स्टडी के बेसिस पर ये मॉडल्स को डेवलप किया गया था ये मॉडल्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है एक प्रोडक्ट के साथ अगर हम बढ़िया सी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना तो हम अपने कंज्यूमर के माइंड में ब्रांड की इमेज को क्रिएट कर सकते हैं उससे परचेस करवा सकते हैं अगर हमने कम्युनिकेशन अच्छे से किया है तो ये मॉडल्स यही कम्युनिकेशन करते हैं ठीक है इन मॉडल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कम्युनिकेशन वर्क कर रहे हैं किसके साथ कस्टमर्स के साथ ठीक है तो चलिए एक एक करके इस मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं ये कौन से मॉडल हैं और क्या मॉडल है तो सबसे पहले आता है एडास मॉडल एडास मॉडल को देने वाले कौन थे अमेरिकन बिजनेस थे जिनका नाम था एलियस सेट एल्मो लुइस ठीक है इन्होंने एडा मॉडल को दिया था कब 1898 एट में आपको याद रखना है 1898 में अमेरिकन बिजनेसमैन इलियस सेट एल्मो लुइस ने ये एडास मॉडल दिया था ठीक है एडाट जो स्टेंड करता है ना ए से आता है टेंशन आई से आता है इंटरेस्ट डी से आता है डिज़ायर एंड ए से आता है एक्शन लास्ट एस से आता है सेटिस्फैक्शन तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं ये है क्या देखो ये ना बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर मॉडल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ठीक है इसको प्रपोज करने वाले जो व्यक्ति थे उसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं चलिए बात कर लेते हैं इससे हम हाँ अपने कस्टमर्स की अटेंशन को खींच कर कम्युनिकेशन प्रोसेस को कर कर अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ए से देखो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है सर्विस बनानी है और उसे कस्टमर तक पहलाना है हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर खरीदे तो उससे सबसे पहले उसकी अटेंशन को खींचो आजकल कोई भी ना किसी के अकॉर्डिंग बात नहीं करना चाहता सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग बात करना चाहते हैं तो देखो कस्टमर का इंटरेस्ट कहाँ पर है और फिर उनके अटेंशन को खींचने के लिए कुछ कैची सा कुछ ऐसा करो जिससे आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर की क्या जाए अटेंशन आ जाए तो फर्स्ट फेज में हमने फर्स्ट फेज में क्या किया हमने कस्टमर्स की अटेंशन को अपने प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ खींच लिया जब इसकी अटेंशन आ गई तो अब हम क्या डेवलप करने वाले हैं इंटरेस्ट डेवलप करने वाले हैं अब कुछ ऐसी चीजें करो जिससे जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में आ जाए जैसे जो अटेंशन आई थी वो जा भी तो सकती है ना अटेंशन जो होती है ना वो टेम्प्ररी होती है लेकिन जो इंटरेस्ट अगर आ गया तो भाई वो परमानेंट है अब इंटरेस्ट कैसे आएगा ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए उनको ऐसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताओ उसके फीचर बताओ उसका यूज बताओ ताकि उसको क्या जाए? आ जाए इंटरेस्ट आ जाए प्रोडक्ट में जब उसको इंटरेस्ट आ गया तो ये परमानेंट हो जाता है फिर जब इंटरेस्ट आ गया तो उसके अंदर डिजायर पैदा करो उसके अंदर एक भूख जगा दो कि उसे अब लगना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए ये इतनी ही फ़ायदेमंद है इतनी बेनिफिशियल है तो अब मैं ख़रीदना ही चाहूंगा ऐसी डिज़ायर उसके अंदर क्रिएट कर दो और ये डिज़ायर कौन क्रिएट करेगा एक सेल्समैन ही कर सकता है ठीक है तो उसके अंदर ये फीलिंग डाल दो कि हाँ तुम्हें इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो उस प्रोडक्ट पे रुके पॉज ले ठीक है अब जब डिज़ायर क्रिएट हो गई अब कस्टमर ये चाहता है कि ठीक है मैं लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है अब क्या करेगा वो लास्ट में वो एक्शन ले लेगा देखो ज़्यादातर केसेस में वो नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में तो प्लेस कर देगा ऑर्डर लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट भी तो कर सकता है ना लास्ट में वो अब एक्शन ले ही लेगा कि मुझे खरीदना है क्योंकि हमने क्या किया था पहले उसके अटेंशन को खींचा था फिर उसके अंदर इंटरेस्ट जगाया था उसके बाद उसके अंदर डिज़ायर पैदा करी थी अब उसने एक्शन ले लिया एक्शन लेने के बाद अब पूरी तरह से हमें उसे सेटिस्फाई करना है अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट से देखो हमने जिस भी फीचर को रखते हुए उसके नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हुए बात की थी ना तो वो वही होना चाहिए हमें उसको पूरी तरह से हैप्पीली सेटिसफाई करना है कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए कस्टमर के पास ठीक है ताकि जो आपके बाद के रिलेशनशिप हैं वो भी बने रहे तो कस्टमर पूरी तरह से हैप्पी होना चाहिए आफ्टर परचेज ठीक है अब बात करते हैं एयर डिकेन एक एयरलाइन थी जो अहमदाबाद से गुजरात में जाती थी अब तो खैर बंद कर दी है तो इस एयरलाइन ने भी इस मॉडल को यूज़ किया था ठीक है एडास मॉडल को यूज़ किया था तो यह बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए अब बात कर लेते हैं डैगमार मॉडल की डैगमार मॉडल क्या है जैसे कि डैगमार मॉडल नाम से ही समझ में आ रहा है डेगमार डैग देग का मतलब होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट कहने का मतलब क्या कहने का मतलब सिर्फ इतना कि हमारे जो एडवर्टाइजिंग के गोल हैं ये ना एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है ठीक है तो हमारे जो एडवर्टाइजिंग के गोल हैं हमें कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करने हैं इस तरीके से सेट करने हैं ताकि हम अगर बाद में भी क्या सके, कर सकें उसके रिज़ल्ट को मेज़र कर सकें बस इसी मॉडल के थ्रू इसी एक मॉडल के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग गोल भी सेट कर लें और उसे मेज़र भी कर लें ये मॉडल यही कहता है ये मॉडल क्या कहता है ये मॉडल कहता है कि हमें एडवर्टाइजिंग गोल को इस तरीके से डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि हम इस मॉडल को पूरा करते करते अपने गोल और रिजल्ट को भी मेजर कर लें ठीक है इसको देने वाले कौन थे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे यूएस के रसल एच कोहली जिन्होंने ये मॉडल किस में दिया था नाइनटीन में दिया था आपको याद रखना है ठीक है एक मैकेनिकल इंजीनियर थे यूएस के रसल एच कोहली जिन्होंने ये मॉडल नाइनटीन में दिया था ये जो मॉडल है ना ये दो चीज़ों पे ध्यान देता है इसका दो ही चीज़ों पे फोकस है पहला तो जब तुम क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन टास्क करो मतलब कि सिंपल सी बात है हम मार्केटिंग के कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें कम्युनिकेशन टास्क तो करना ही पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा उनसे कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा तो पहला टास्क तो इस मॉडल का यही कहता है कि अपने कम्युनिकेशन टास्क को क्रिएट करो दूसरा कहता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को कुछ इस तरीके से डिफाइन करो ताकि हम बाद में चल के उनका रिजल्ट भी मेजर कर सकें अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सपोज़ कि हमें हमें ना अपनी ब्रांड की इमेज को बढ़ाना है या फिर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है या फिर हमें अपनी टारगेट ऑडियंस बनानी है तो ये सारे तो हमने क्या कर लिए डिफ़ाइन कर लिए कि ये हमारे एडवर्टाइजिंग गोल हैं इस मॉडल के थ्रू हम क्या करेंगे अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे या फिर ब्रांड की इमेज को बढ़ाएंगे या फिर टारगेट ऑडियंस को बढ़ाएंगे तो ऐसे कुछ भी हमने डिफ़ाइन कर लिया एडवर्टाइजिंग गोल इस मॉडल के पूरा होने के बाद अब हम उन्हें देखेंगे क्या हमारी सेल्स बढ़ी क्या हमारी ब्रांड की इमेज बढ़ी क्या हमने जो गोल डिफाइन किए थे वो सही आए हैं या नहीं आए उसको मेजर कर सके ठीक है चलिए बात कर लेते हैं इसमें कुछ स्टेजेस दी गई हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं कैसे करता है डैगमार मॉडल का तो सबसे पहली स्टेजेस आती है अवेयरनेस ये डैगमार मॉडल कहता है अपने फर्स्ट स्टेज में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एंड ब्रांड के रिगार्डिंग क्या करो अवेयर करो बताओ उन्हें कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है ऐसा भी प्रोडक्ट आता है इस स्टेज में सिर्फ पूरी तरह से क्या करना है लोगों को अवेयर करना है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ठीक है इस कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है अब उसे प्रोडक्ट के बारे में तो अवेयर हो गई अब यहाँ पे ना उसको और एक्सपेंड कर दिया गया है मतलब उसके प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक क्या है उसके यूज़ क्या है ठीक है इनके ब्रांड का नेम भी पता होना चाहिए ब्रांड का लोगो भी पता होना चाहिए उसके अच्छे खासे फीचर्स करेक्टरिस्टिक एंड यूजेस सबके बारे में पता होना चाहिए मतलब इसी पॉइंट को डिटेल कर दिया है ठीक है उसके बाद कन्विक्शन कन्विक्शन मतलब फिर क्या करना है जब लोग अवेयर हो गए पूरी तरह से उसको क्या करो कन्विंस करो मतलब उन्हें बताओ कि तुम्हें इस प्रोडक्ट की नीड है इस स्टेज में क्या करना इमोशनल डिसीजन ले ले वो इस तरीके से हमें उनको कन्वेंस करना है उनके नीड के अकॉर्डिंग ठीक है अब वो पूरी तरह से कन्वेंस्ड हो चुके हैं अब क्या करेंगे वो एक्शन ले लेंगे इस स्टेज में आके उन्होंने क्या ले लिया एक्शन ले लिया उन्होंने परचेज कर लिया ठीक है इसको डेगमार अप्रोच भी बोलते हैं डेगमार थ्योरी भी बोलते हैं ए सी सी फॉर्मूला भी बोलते हैं ठीक है ए सी सी क्यों अवेयरनेस कॉम्प्रीहन कन्विक्शन एंड एक्शन फॉर्मूला ठीक है डेगमार मॉडल भी बोलते हैं डेगमार थ्योरी भी बोलते हैं अब अब जो जो जनरल मोटर वाली कंपनी थी ना उन्होंने डेगमार मॉडल को यूज किया था जब उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग गोल को आइडेंटिफाई करना था ठीक है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं बाकी के जो दो मॉडल है मॉडल ऑफ जॉय एंड लवेज एंड स्टीनर मॉडल उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बाय बाय